नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं आपको एक अनुभूत अनुभव आपके साथ शेयर कर सकूं, जिसमें कि मातेश्वरी ने साक्षात मेरे लिए कुछ किया हो। जी, बीते दिनों में 11 तारीख जनवरी की 11 तारीख को हम मातेश्वरी के दरबार गए थे। मैं और मेरे तीन दोस्त 11 तारीख को वहाँ पर थे। भवन के नीचे हमने रूम लिया था और हम वहीं पर थे। तो 11 तारीख को हम वहाँ पहुँचे और 11 तारीख को हमने वहाँ चढ़ाई की। अब हुआ ये कि दोपहर के 10 बजे हमने शुरू की चढ़ाई, और चढ़ते चढ़ते हमें शाम हो गई और मैं कैश ले जाना भूल गया अपने साथ। मेरे पास 1 भी रुपया नहीं था और मैंने सोचा एटीएम से मैं वहाँ से विड्रॉल कर लूँगा तो दिक्कत नहीं होगी। खाने पीने का तो हमारे दोस्त कुछ लेके गए थे, उनसे हो गया। और आखिर में जब तक भवन आया तब तक ऐसी स्थिति हो गई कि किसी के पास पैसा ही नहीं रहा। तो मुझे पता था कि भवन के पास 2 ATM हैं, तो मैं वहाँ पर कुछ पैसे निकालने के लिए वहाँ पर चला गया और मेरे तीनों दोस्त वहाँ खड़े रहे। और बाद में पता लगा कि उन्होंने उधार करके प्रसाद ले ली है। और टाइम था 5-6 के करीब, वो जो आरती का समय होता है उस समय की बात है। बार बार अनाउंसमेंट हो रही थी कि जल्दी से जल्दी अपना सामान जमा कराएं और भवन में दर्शन के लिए आ जाए, वरना 8 बजे के बाद ही दर्शन होंगे। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी जाकर दोनों ATM देखे और उन दोनों में से किसी में भी कैश नहीं। मैंने 10-10 बार ट्राई किया। एक तो बिल्कुल ही J&K का एक ATM था, वो बिल्कुल ही उसमें से कैश डिस्पेंस नहीं हुआ। खड़ा रहा मैं वहाँ पर, कम से कम मेरे 10-15 मिनट वैसे ही वेस्ट हुए। और दूसरा जो ATM था उसको करंट मार रहा था। तो ये हालत थी कि दिल में भी एक उदासी थी, उदासी जो थी वो छाई हुई थी कि मातेश्वरी के द्वार आए हैं इतने दूर और प्रसाद चढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि मातेश्वरी आपकी जो इतनी भक्ति करे, आप ही को सब कुछ माने, उसकी प्रसाद चढ़ाने के लिए पैसे कम पड़ जाए, क्या यही है भक्ति? कहीं मेरी भक्ति में तो कोई कमी नहीं? तो उदास मन के साथ मैं वहाँ ATM रूम से बाहर निकला और धीरे धीरे कदम मेरे बढ़ने लगे मातेश्वरी के दरबार की तरफ। और फिर मुझे लगा कि वो भी चले ही गए होंगे क्योंकि टाइम बिल्कुल कम है, 8 बजे तक वो रुकेंगे नहीं। तो फिर मैं दरबार की तरफ मेरा रुख हुआ। मेरे पास प्रसाद नहीं थी, कुछ भी नहीं था और मैंने कहा चलो दर्शन ही हो जाए, यही काफ़ी होगा, जैसे मातेश्वरी की इच्छा। अब मैं बिना प्रसाद के चल रहा हूँ दुखी मन से। चलते चलते मैं क्या देखता हूँ कि एक थैला प्रसाद से भरा हुआ वहाँ पर रखा हुआ है और आसपास कोई भी नहीं है। ये देखकर तो इतना अजीब लगा कि मतलब कैसे इतनी भीड़ आई हुई है और उस भीड़ में से एक मेरे लिए मातेश्वरी सोच रही है। ये तो वही हो गया। सोचिए एक बार कि आसमान से अगर लोगों को देखा जाए तो कैसे छोटी छोटी चींटी भी नहीं दिखेगी। उन चींटियों में से एक चींटी जो मैं हूँ उसके बारे में मातेश्वरी सोच रही है। इतनी खुशी और इतना उत्साह मेरे अंदर भर गया कि फिर ठंड भी लगनी मुझे बंद हो गई और मैं जल्दी जल्दी गया और मातेश्वरी का प्रसाद लिया। और फिर आते हुए मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि प्रसाद आपने चढ़ा दिया नहीं चढ़ाई, कैसे सब किया? तो उन्होंने बताया कि हमने उधार ले लिया था और उसमें से मेरे जो तीन दोस्त थे उनमें से एक की प्रसाद जो है बंदर ने ले ली, उसके हाथ में सिर्फ वो रस्सी रह गई और बंदर उसकी प्रसाद लेकर चला गया। अब ये देखिए ये कैसा संयोग है कि एक जो मेरा दोस्त था उसकी प्रसाद लेकर वानर देवता चले जाते हैं और एक जो मेरे पास प्रसाद भी नहीं थी उसके पास अपने आप ही प्रसाद आ जाती है।
तो इसे क्या कहेंगे? मानो तो गंगा, ना मानो तो पानी। तो मैं तो यही कहूंगा कि मातेश्वरी ने मेरे लिए ये बहुत ही, मैं छोटा चमत्कार नहीं कहूँगा, इसे बहुत ही बड़ा चमत्कार कहूँगा कि जहाँ मुसीबत पड़ती है वहाँ पर वो आ जाती हैं, जहाँ प्रसाद नहीं थी वहाँ पर मेरे लिए अपना प्रसाद प्रकट हो गई, और क्या चाहिए। और वो प्रसाद मैंने अभी भी संभाल कर रखी हुई है। नारियल को मैंने जो है मंदिर में रख दिया है, और जो उसका बैग था, बैग को भी मैंने एक सुरक्षित जगह पर रख दिया है, ताकि मैं उम्र भर उसको देख कर मातेश्वरी का आशीर्वाद मेरे साथ है इसकी अनुभूति करता रहूं, जब भी मेरा मन उदास हो या फिर जब भी मैं किसी मुसीबत में पड़ूं कि मातेश्वरी मेरे बारे में नहीं सोचती, तो उस वस्तु को देखकर मेरे मन में वो आशंका दूर हो जाएगी। और मैंने देखा रास्ते में 10-10, 20-20 रुपए की एक पट्टी से मिल रही थी जिसमें कि जय माता की लिखा हुआ था। लोग बेतरतीब उसको या तो पेड़ों में बांध रहे थे या फिर मतलब लापरवाही बरत रहे थे उसके साथ। कई रास्ते मुझे मिली तो मैंने उनको इकट्ठा किया और वो भी मेरे साथ में ले आया। अब ये जो है ये मेरे पास रहेंगे उम्र भर। आप जब भी कभी देखें कि मातेश्वरी का नाम जिस चीज़ पर लिखा हो, वो किसी के पैरों में आ रही हो या फिर कोई चुन्नी हो जो कि रास्ते में पड़ी हो, तो उसको उठाकर कहीं सुरक्षित जगह पर रख दें या फिर किसी नदी में जो है प्रवाहित कर दें, क्योंकि मातेश्वरी का नाम जहाँ पर आ जाए वो चीज़ ऐसी जगह पर रहना ही एक अशुभ फल देगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो मातेश्वरी सहज ही आपकी जितनी मनोकामनाएं हैं वो सारी पूरी कर देंगी, और एक ऐसी दिव्य शक्ति आपके साथ चलेगी जो कि आपकी मुसीबत में काम करेगी। तो जब भी आपको कभी, चाहे आप गाड़ी से हो चाहे किसी से, मैं तो ऐसा करता हूँ कि जब भी मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ, रास्ते में कोई चुन्नी पड़ी हो तो मैं उठकर अपनी गाड़ी रोककर उसको अपने साथ ले लेता हूँ, और अगर साथ लेने की जगह ना हो या फिर वो कहीं मतलब दूर हो तो मैं उसे कहीं अच्छी जगह पर जैसे कि बांध आता हूँ पेड़ पे, जहाँ कि वो वहीं पे रहे, कहीं दूर ना जाए, या फिर अपने साथ रखिए इन चीज़ों को और किसी नदी में बहाइए जहाँ पर कि जल बहता हो। ये करने से आपके साथ एक अद्भुत शक्ति आ जाती है और मातेश्वरी का जो है साथ आपके साथ बन जाता है। और एक बात और कि कई लोग होते हैं कि जो वैष्णो देवी जाते हैं और मन में एक कामना रख कर जाते हैं कि हमें ये चाहिए, तो भगवान जो है वो भाव का भूखा है। भाव रखिए अपने मन में, मैं भाव लेकर गया था वहाँ पर कि मातेश्वरी ने बुलाया है तो मैं जाऊँगा। रात के 4 बजे मुझे किसी दोस्त का कॉल है कि ऐसे ऐसी बात है कि मैं जाना है वहाँ पर, तो मैंने ना दिन देखा ना रात, मैंने कहा चलो मातेश्वरी ने बुलाया है, चलो चलते हैं। और फिर जो हुआ वो तो देखकर मैं दंग ही रह गया। तो ये भगवान तो भाव का भूखा है, भाव दिखाइए कि मातेश्वरी हमें तो बस आपका सहारा है। लेश मात्र ये संदेह ना रहे कि मातेश्वरी मतलब कुछ आपके बारे में सोच नहीं रही, या फिर मातेश्वरी धुंधली सी ना हो, बस आपके समक्ष रहे हमेशा। उन्हीं का ध्यान कीजिए, उन्हीं पर विश्वास रखिए, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई कष्ट नहीं आएगा। बस करना क्या है आपको, रोज़ सुबह शाम मातेश्वरी के सामने एक दिया प्रज्वलित करें मिट्टी का, और एक मंत्र बोलें, बहुत ही सहज और छोटा सा मंत्र है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रु बुद्धि विनाशय दीप ज्योति नमोस्तुते महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। बस ये मंत्र आपको बोलना है 7 बार रोज़, और फिर देखिए कैसे मातेश्वरी विवश हो जाएंगे आपकी सहायता करने के लिए। आपके भाव जो है यहाँ पर देखे जाएंगे, भाव का भूखा है भगवान। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भाव को जो है इतना प्रबल कर दीजिए कि भगवान विवश में हो जाए। जय माता की।